हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो ये आज चैप्टर 7th है। इस चैप्टर का नाम है ओवर कंट्री इंडिया। ओवर कंट्री के इंडिया के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पहले हमारे इंडिया के नेबर जो भी कंट्रीज हैं उनके बारे में, क्या क्या हमारे इंडिया में पड़ता है, मेन जो लोकेशन है जो हमारे इंडिया की वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी रिवर्स इसमें बहती है, ये सब हम इस चैप्टर में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो हम इंडिया की जब बात करते हैं तो इसमें हम दो तरह के मैप पढ़ने वाले हैं। बट हमने अभी कुछ दिनों पहले एक चैप्टर पढ़ा था, आपने अगर सीरीज़ देख रहे हैं मेरी 6th क्लास की, तो एक चैप्टर था उसका नाम था मैप, शायद तक 4th चैप्टर था वो। उसमें हमने तीन तरह के मैप पढ़े थे। आप मुझे बता सकते हैं कौन से तरह के मैप थे वो, किसी को याद है कौन कितने तरह के मैप थे। चलिए मैं बता देता हूँ। पहला पॉलिटिकल, दूसरा फिजिकल और तीसरा थीमेटिकल। पॉलिटिकल मैप में हम बात करते हैं उनके जो ह्यूमन में हमने खुद ने बनाए, मतलब इंसानों ने जिसको बंटवारा किया, जैसे भारत पाकिस्तान, आपका भारत में बंगाल को हमने बांटा, ऐसा चीज़। फिजिकल में हम माउंटेन्स और कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स है उनकी बात करते हैं। ये ह्यूमन मेड नहीं है, हमने इसकी रूपरेखा हमने नहीं बनाई है। तीसरा है थीमेटिक। थीमेटिक में हम एक रेंज की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ओवर कंट्री इंडिया के बारे में। पहली बात है, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। यहाँ पर इंडिया में हर तरह की चीज़ें आपको जियोग्राफिकल डिफेंस, बहुत वैरायटीज़ आपको, एक वर्सेटिलिटी आपको इसमें मिलने वाली है इंडिया में। यहाँ पर हिमालय है, हिमालय के अलावा बे ऑफ बंगाल है आपके। बे ऑफ बंगाल के सामने की तरफ आप जब आप जाते हैं वेस्ट साइड में, तो आपको अरेबियन सी मिलता है और नीचे इंडियन ओशन। यहाँ एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर तीन बड़े बड़े ओशंस हैं, दो ओशंस सॉरी, ठीक है, एक तो अरेबियन सी है ना और एक इंडियन ओशन, दो तरीके से यहाँ पड़ने वाला है और बे ऑफ बंगाल ही पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अब हिमालय कहाँ पड़ता है हमारा, हमारे हिमालय पड़ता है नॉर्थ साइड में। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे पेनिनसुला। पेनिनसुला इज़ ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड। तो हमारे इंडिया है पेनिनसुला। पेनिनसुला इसलिए क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, एक तरफ इंडियन ओशियन और एक तरफ अरेबियन सी। तो जब हम बात करते हैं इंडिया की लंबाई, जो मतलब ये कह लीजिए आपके कन्याकुमारी से लद्दाख से कन्याकुमारी तक, या फिर नॉर्थ से साउथ तक, तो भारत की जो डिस्टेंस है लद्दाख और कन्याकुमारी के बीच की, वो है 32,000 सॉरी 3,200 किलोमीटर। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, 3,200 किलोमीटर्स। और वहीं आपकी अरुणाचल प्रदेश से कुछ कच्छ तक है आपकी 2,900 किलोमीटर तक, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने इंडिया से होकर गुजरती है, आपको पता है, और उसकी डिग्री कितनी होती है, 23.5 नॉर्थ। 23.5 नॉर्थ। हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है, नॉर्थ साइड में पड़ता है, नॉट साउथ, नॉर्थ साइड में पड़ता है हमारा इंडिया। वर्ल्ड के जब आप मैप देखेंगे तो इंडिया नॉर्थ साइड में पड़ता है, ठीक है, इसलिए नॉर्थ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ती है। वहीं साउथ साइड में आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ती है, ठीक है। अब जो इसकी लोकेशन है वो है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8.4 है ना, नॉर्थ से लेकर आपकी 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मैंने आपको बता दिया है, लैटिट्यूड का मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। जब कोई भी अपने वर्ल्ड अपने ग्लोब को इस तरह से काटे, कैसे काट रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, और हमारे ग्लोब को नॉर्थ और साउथ को दोनों को अलग अलग कर दें, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, हम उसे कहते हैं लैटिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड की जब हम बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड भी था ये आपकी शायद सेकंड चैप्टर आया है ना लॉन्गिट्यूड वाला, तो लॉन्गिट्यूड में जब आपको ऐसे लंबा लंबा काटे
वेस्ट और ईस्ट को दोनों को अलग अलग डिवाइड करने की कोशिश करी रेज, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये वाला हम इसकी बात हमने करी, लो ये है, ये लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ, और लॉन्गिट्यूड जो है वो ये वाला है। ठीक है, इस तरह से कटता है। अब जो हमारे इंडिया को एक्सटेंड किया है बिटवीन 68.7 ईस्ट, 68.7 ईस्ट की हम बात करते हैं, तो हम लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं ईस्ट की, 68.7 की हम बात कर रहे हैं ईस्ट में। दैट मीन यहाँ पर इस एरिया के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, सॉरी इस जगह बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी कंट्री। चलो यहाँ पर आपको समझ आएगा, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ लीजिए, 68.7 ईस्ट में और 97.25 ईस्ट में ही पड़ता है हमारा कंट्री। तो ईस्ट में पड़ता है और नॉर्थ साइड में पड़ता है अपने वर्ल्ड के अंदर अपना कंट्री, ये याद रखने की बात है। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इंटू ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिसफेयर, विच हेमिसफेयर ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो ईस्टर्न हेमिसफेयर में हमारा इंडिया पड़ेगा। ठीक है, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न का हम थोड़ा सा नाम डाल सकते हैं इसमें। देन इसके आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इंडियंस के नेबर कंट्रीज की हम बात करेंगे, तो इंडिया के नेबर्स क्या है, सेवन नेबर कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की अभी ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आएगा वाला एरिया, पर फिर भी हमारा हम अभी इंडिया का एरिया इसको मानते हैं, और एक दिन ज़रूरी इंडिया के हिस्से में आ जाएगा। तो अफगानिस्तान भारत से जुड़ता है एक दो, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, और एक श्रीलंका भी है इसमें। अब कंट्री लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। श्रीलंका को ऐड इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पर एक पाक जल संधि जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो पड़ती, तो ये नेबर अपनी कंट्री की बॉर्डर को शेयर नहीं करता कभी, इसलिए यहाँ पर इसका नाम नहीं लिया गया। तो देखिए हमारे अभी 29 स्टेट्स हो चुके हैं, 29 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, वो यहाँ पर शो कर रखे हैं, तो इसको अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, ये पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की जब हम बात करते हैं, तो इसमें देखो पहली बात तो ये कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है और यहाँ पर 29 स्टेट्स हो चुके हैं, तो इस तरह से ये फिजिकली अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो यहाँ पर हिमालय माउंटेनियंस है, हिमालय माउंटेनियंस आ गए आपके, यहाँ पर यमुना नदी बह रही, गंगा रिवर बह रही है, और बे ऑफ बंगाल है आपका, प्लेटो, इसमें प्लेटो भी दिखाया गया है, तो पठार ही देखिए कितने अच्छे से पठार को शो किया गया है, यहाँ पर पठार अरावली रेंज के अंदर भी पठार वगैरह पड़ते हैं। ठीक है, माउंटेन रेंज देखो ऊपर ही है यहाँ पे माउंटेन रेंजेस, तो ये चीज़ आप कॉमनली देख सकते हैं, कावेरी रिवर भी नीचे से बह रही है। देन फिजिकल डिवीज़न जो दिखाया है, तो फिजिकल डिवीज़न में वही बात आती है कि आपका ग्रेट हिमालय है। ठीक है, तो कॉमन चीज़ है ग्रेट हिमालय, आपके बे ऑफ बंगाल है, आपकी अरेबियन सी वगैरह पड़ता है, ठीक है, इस आइसलैंड वगैरह, ये कॉमन चीज़ जो आपने अभी मैंने पहले आपको बताई थी वही चीज़ें पढ़ने वाली हैं। पेनिनसुला जो चार तीनों तरफ से घिरा हुआ है भारत है ना, उसके लिए बात करें, द विंध्यज एंड द सतपुरा आर द मोस्ट रेंजेस, ठीक है, इसमें द विंध्यज जो और सतपुरा जो वो इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं, तो इसमें थोड़ा कुछ नाम हम है कि रिवर्स कौन से किससे बहती है, तो वो यहाँ बता रखा है, चलो वो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो एक तो शिवालिक है जो साउथर्न मोस्ट रेंज है हमारे यहाँ की, तो यहाँ शिवालिक देखो, शिवालिक की रेंज पड़ रही है, ये साउथर्न मोस्ट साउथ साइड की, सॉरी नॉर्थ मोस्ट होना चाहिए ना, बिल्कुल नॉर्थन इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, ठीक है, द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, तो हिमालय के साउथ की तरफ हमारे नॉर्थन प्लेन्स पड़ते हैं। ठीक है, वो अभी मैंने आपको प्लेन्स का बताया था अभी, तो और वेस्ट साइड में हमारे राजस्थान का थार मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पेनिनसुलर प्लूटो भी हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं पेनिनसुलर है ना, और विंध्य और सतपुरा से यहाँ से नर्मदा और तापी रवि बहती है, एंड फ्लोइंग रिवर एंड देन ड्रेन इनटू अरेबियन, और ये अरेबियन सी में जाती है, द वेस्टर्न घाट्स एंड
सह्याद्री बॉर्डर द बिटवीन द वेस्टर्न द ईस्टर्न घाट्स द ईस्टर्न बाउंड्री वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर द ऑलमोस्ट कंटिन्यूस द कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स आर मच ब्रॉडर दे आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स तो वेस्ट में तापी और नर्मदा का नाम मैंने लिया था केवल और ईस्ट में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं उनमें से महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये बहती हैं ये सब बे ऑफ बंगाल में जाती है कावेरी आपके नीचे साउथ में पड़ती है ठीक है दिस रिवर आर फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ तो ये फर्टाइल डेल्टास का निर्माण करते हैं अपने मुख पे मतलब जहाँ पे इनका मतलब शुरुआत उत्पत्ति होती है और जहाँ अंत हो रहा है उधर ही डेल्टा का निर्माण करते हैं अंत की तरफ है ना ठीक है ये और ये थोड़ा सा कुछ वॉल्केन ये थोड़ा सा सुनामी का टाइप का डायग्राम दे रखा है तो भारत के कुछ पार्ट्स में जैसे लक्षद्वीप आइसलैंड है ये अरेबियन सी में लोकेटेड है तो ये कोरल आइसलैंड है कोरल की अलग वीडियो बनाऊंगा कोरल क्या होता है वो आपको बताऊंगा तो कोरल आइसलैंड है लक्षद्वीप आइसलैंड है ना अंडमान निको अंडमान निकोबार आइसलैंड लाइट टू द साउथ एंड ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल है तो बे ऑफ बंगाल के ये साउथ एंड ईस्ट में पड़ता है अंडमान निकोबार आइसलैंड ठीक है तो ये कॉमन सा क्वेश्चन थे जो यहाँ पर बताया गया था ना तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में ठीक है जय हिंद जय भारत छोटी हो गई वीडियो बहुत मैंने कम चीज़ें यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करी है आगे मौका मिल जाए तो मैं जरूर शेयर करूँगा आपके साथ।